डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी ईजीआर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। बीएसई ने जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल यानी जीजेसी के साथ मिलकर वस्तुओं की वृद्धि और विकास को गति प्रदान करते हुए देश में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी ईजीआर बाजार का प्रस्ताव रखा है। अब जान लेते हैं कि ईजीआर क्या होता है। ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है। यह भौतिक सोने के बदले एक इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीद है। यह इक्विटी शेयरों के समान है और इसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह एक वॉल्ट मैनेजर के पास जमा किया जाता है। इसके बाद इस रसीद का कारोबार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है कि सरकार चाहती है कि सोने के भौतिक बाजार में भारत का जो विशेष प्रभाव है वह सोने के वित्तीय बाजार में भी दिखाई दे। ईजीआर से होने वाले लाभ हैं। ईजीआर लोगों को सोना इकट्ठा ना करने के लिए प्रेरित करने के उपाय प्रस्तुत करता है और यह है एक ऐसे एक्सचेंज की कल्पना को मूल रूप देता है जो पारदर्शी मूल्य निर्धारण और तरलता नकद या वापस सोने के रूप में प्रदान करता है। अब जान लेते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। भारत सोने का शुद्ध आयातक है। इसका उद्देश्य प्राइस टेकर से प्राइस सेटर्स बनने की ओर बढ़ना है। इस प्रकार एक्सचेंजों में सोने के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और गोल्ड एक्सचेंज पारदर्शी मूल्य आश्वासन, निवेश तरलता और सोने की गुणवत्ता में आश्वासन प्रदान करेगा। अब जान लेते हैं कि ईजीआर कैसे काम करेगा। ईजीआर धारक ईजीआर को सौंप कर वॉल्ट से अपने अंतर्निहित स्वर्ण को निकाल सकते हैं। ईजीआर क्रिएट करने, उसके डिपॉजिट और निकासी, स्टोरेज और सुरक्षा के साथ शिकायतों को सुलझाने का काम सेबी से मान्यता प्राप्त वॉल्ट मैनेजर्स करेंगे और वॉल्ट मैनेजर की नेटवर्थ कम से कम 50 करोड़ रुपए होगी। आइए जान लेते हैं सेबी विनियमन क्या है। सेबी ने भी गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने के लिए एक नियामक ढांचा प्रस्तावित किया है। मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों को ईजीआर के व्यापार के लिए मंच प्रदान करने की अनुमति होगी। ईजीआर के व्यापार के लिए मूल्य वर्ग और ईजीआर को सोने में बदलने का फैसला स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सेबी के अनुमोदन से किया जाएगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑर्डर के हिसाब से ईजीआर और फंड्स को खरीदार और विक्रेता के बीच सेटल करेगा। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। एक, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी ईजीआर बाजार का प्रस्ताव एनएसई ने जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के साथ मिलकर रखा है। दो, यह भौतिक सोने के बदले एक इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीद है। तीन, यह इक्विटी शेयरों के समान है। ऑप्शंस हैं ए, केवल दो सत्य है, बी, केवल एक और दो सत्य है, सी, केवल दो और तीन सत्य है, या फिर डी, तीनों कथन सत्य हैं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।